प्रदेश में चल रहे नगरीय निकाय चुनाव में अब पार्टियों के द्वारा प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है। इसके साथ ही टिकट न मिलने से नेताओं कार्यकर्ताओं के नाराज होने का दौर भी शुरू हो चुका है। ऐसे में देवास में भाजपा कार्यालय पर वार्ड क्रमांक 25 के वासियों ने वार्ड से बाहरी व्यक्ति को टिकट देने का आरोप लगाया है और उसके साथ ही नारेबाजी करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया है और हंगामा भी किया। इस दौरान भोजराज सिंह जादव नामक व्यक्ति ने विरोध जताते हुए खुद पर केरोसिन डालकर आत्मदाह करने का प्रयास भी किया। देखिए एक खास रिपोर्ट। प्रदेश भर में प्रत्याशियों की सूची के ऐलान के साथ ही कार्यकर्ताओं के रोकने का दौर भी शुरू हो चुका है। भाजपा द्वारा पार्षद प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद से ही कार्यकर्ताओं में नाराजगी दिखाई देना शुरू हो चुकी है और टिकट को लेकर अब विरोध करते हुए आम कार्यकर्ता दिखाई देना शुरू हो चुके हैं। ऐसे में देवास भाजपा कार्यालय पर भी कार्यकर्ताओं का हाई वोल्टेज ड्रामा दिखाई दिया और हंगामा किया गया। भोजराज सिंह जादव नामक एक कार्यकर्ता ने विरोध प्रदर्शन करते हुए खुद पर केरोसिन डालकर आत्मदाह करने का प्रयास कर लिया। बड़ी मुश्किलों के बाद उसे समझाकर रोका गया। विरोधकर्ताओं का यह भी आरोप है कि पार्टी के द्वारा टिकट बेचा जा रहा है। नाराज भाजपा कार्यकर्ता भोजराज सिंह जादौन का कहना है कि वार्ड 25 से वार्ड के स्थानीय व्यक्ति को ही मौका दिया जाना चाहिए और सामान्य वर्ग के साथ उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। किसी और को टिकट देना हमारे साथ अन्याय है। पूरे मामले में जिला महामंत्री मनीष सोलंकी ने बताया कि कार्यकर्ताओं ने आत्मदाह का प्रयास किया है, उन्हें समझाया है और रोका भी है। भाजपा में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं किया जाता है। अगर किसी कार्यकर्ता को शिकायत है तो उसके लिए समिति बनी है, वहाँ पे वे अपनी बात रखें, हम भी अपनी ओर से अपनी बात रखेंगे। तो सिंगल डिसीजन नहीं होता है, सामूहिक डिसीजन होता है और सामूहिक डिसीजन के बाद किसी को भी प्रत्याशी घोषित किया जाता है। तो जिले की कोर कमेटी बैठती है, उसके बाद पार्षदों की नियुक्ति की जाती है। पार्षदों का अच्छा, अभी आपके सामने क्या हुआ? कुछ नाराज कार्यकर्ता आए और आत्मदाह की कोशिश कर रहे हैं। आपने बचाने का प्रयास किया? भैया बिल्कुल प्रयास किया बचाने का भी और पानी भी डाला हमने सबने। सैकड़ों कार्यकर्ता बाहर, उनकी नाराजगी, अगला कदम क्या है आपका? मैंने ऊपर बात करेंगे, उसके लिए उनको भी आश्वस्त किया है कि ऊपर बात करेंगे, जो भी आगे जो भी हल होगा उसका किया जाए। जिला अध्यक्ष और महामंत्री का आरोप लगाया उन्होंने भ्रष्टाचार के, पैसे लेकर टिकट देने का। नहीं ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई भी नहीं होता। ये जो किसी तरह का भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं होता। ये जो असंतोष फैलाया भारतीय जनता पार्टी में, टिकट वितरण को लेकर एक अपील समिति भी गठित की गई है। बिल्कुल। तो ये प्रकरण कितने प्रकरण जाएंगे आपके हिसाब से देवास जिले? अपील समिति में जाइए ना, अपील समिति बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी की और अपील समिति में बात करें जिसके जो भी किसी। तो आप नहीं भेजेंगे ये प्रकरण? नहीं बिल्कुल भेजेंगे, हम भी भेजेंगे, हम भी ऊपर बात करेंगे इसके लिए। इस तरह की टिकट न मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं का विरोध तो हर चुनाव में देखने को मिलता है, लेकिन इस प्रकार खुद पर केरोसिन डालकर आत्मदाह का प्रयास कर विरोध करने की खबरें बहुत कम सुनने को मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, देवास।